हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरके मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को भी पता है राजस्थान जेएन की जो वैकेंसीज़ आई थी उसमें किस तरह की धांधलीबाजी हुई है या नहीं हुई है। कल प्रोटेस्ट हो रहा है 2 दिसंबर को, सभी राजस्थान से संबंधित जितने भी विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। कल आप लोगों को मुझे जो एस्पिरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, और इनफैक्ट मेरा भी मन कर रहा था इंटरनली, कई दिनों से मैं सोच रहा था, बट ये आप लोगों ने पावर दिखाई, अपनी यूनिटी दिखाई और फाइनली आप लोगों ने प्रूफ किया कि अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो गलत के साथ आप कहीं ना कहीं आवाज़ उठाओगे। तो यहाँ पे कल सचिन पायलट के घर पे सिविल लाइन के आसपास जयपुर में एक पार्क है और वहीं पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इंजीनियर्स अड्डा के सभी एस्पिरेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। मिनिस्टर हैं वहाँ पे सचिन पायलट, तो ऑब्वियस बात है वो वर्क भी करेंगे। अगर सीबीआई जांच सरकार चाहे तो इस वैकेंसी से रिलेटेड करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो सरासर मुझे या इंडिया का कोई भी टीचर हो, अब आप ही सोचिए, मतलब अगर जेन्युइनली अगर सोचा जाए, आउट ऑफ 120 11 क्वेश्चन आयोग ने निरस्त कर दिया, बचा 109 क्वेश्चन। अब 109 में 105 106 कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी का, तो कहाँ से ऐसा कैसे हुआ? तो ये पेपर भी आसान नहीं, पेपर एकदम टफ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है, सबको लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो उन एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है जो कहीं ना कहीं दिन रात एक मेहनत करते हैं आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, रात रात भर, मतलब कि जिस दिन पेपर देने जाते हैं प्लेटफॉर्म पे सोते हैं और 24 घंटे कहीं ना कहीं अपने करियर से संबंधित सोचते रहते हैं कि इस वैकेंसीज में मेरा सपना पूरा होगा। तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना समय गंवाए मैं आप लोगों से, इंजीनियर अड्डा इस टफ घड़ी में आप लोगों के साथ हैं, मैं आरके मिश्रा भी आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने का मतलब होता है आपका नौकरी लग देना, आपका करियर सेटल होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पहले जैसा थे हमेशा वैसा ही रहेंगे। तो अपने हक के लिए आगे आइए और उन एस्पिरेंट्स तक वीडियोज़ को पहुँचा दीजिए जो आसपास की राजस्थान कि जयपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। एटलीस्ट आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग, जयपुर के लोग भी पहुंच जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं सरकार पे, मिनिस्टर्स पे दबाव बनेगा और इस मामले की संज्ञानता को देखते हुए सीबीआई जांच की तरफ, सीधे आपकी जांच, एक ही मांग होनी चाहिए, सीबीआई जांच, ताकि इतनी बड़ी वैकेंसीज का जो स्कैम हो रहा है हर एक स्टेट में, चाहे आपका यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, कहीं भी हो, फिलहाल आपके सामने ये वादा है, तो इसको आप लोग देखिए। ठीक है, प्लीज़ शेयर द सेशंस। ये सेशंस मैंने इसीलिए इतनी रात को बनाया ताकि मुझे जब एस्पिरेंट्स ने बताया कि सर इस मोमेंट पे प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करिए, तो मैंने अपडेट किया। थैंक यू।